अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी, करनी थी, ठीक है। और चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 का नाम था रियल रियल नंबर्स। तो आपको याद होगा, रियल नंबर से पहले हमने पढ़ा था रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। आज हम इसे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर्स की बात होगी, ठीक है। अच्छा बेटे, आपको याद होगा, पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि रैशनल नंबर्स क्या होते थे। रैशनल नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, पी पॉन क्यू, यहाँ पर क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, इन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे 5/2 है, -7/3 है, यानी नोमिनेटर में भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो। 8/9 है, A1 के जैसे लिखा हुआ 5, तो 5 को भी हम 5/1 लिखते, तो ये क्या था? इंटीजर था। ये क्या था? रैशनल नंबर था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा कि इन रैशनल क्या होते थे। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा कि जो है ना, रैशनल नंबर्स को ज्यादा हम क्यू से शो करते थे, क्यू, कैपिटल क्यू से, ठीक है। और इन रैशनल नंबर्स कांट बी रिटर्न, कांट बी रिटर्न द फॉर्म ऑफ ए अपॉन क्यू, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, हम ये कहते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी ये थी, जैसे √2 है, √5 है, √41 है। ज्यादा जो प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट बेसिकली इरेशनल होते हैं, ठीक है। इस तरह करके होते हैं, ठीक है। बेटा, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन सेपरेट रैशनल एंड इनरैशनल नंबर। इनरैशनल नंबर्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 1 का पार्ट 1 है, √9। बेटा आपको याद होगा, देखिए √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ठीक है। और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, यानी ऊपर भी क्या है, ऊपर पी है, नीचे क्या है, क्यू है। कहने का मतलब कि पी आपके पास 3 है और क्यू आपके पास क्या है, 1 है, यानी न्यूमरेटर में भी इंटीजर और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। तो अब हम 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? रैशनल है, ये रैशनल, ठीक है। अब नंबर 2, नंबर 2 आपके पास 12 है। 12 को मैंने बताया था कि एवरी इंटीजर कैन बी इन द इन दी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। तो 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी p/q की फॉर्म है, ये भी क्या है? रैशनल है। उसके बाद देखिए, नंबर 3 है, नंबर 3 है 5/9। तो देखो, ये 5/9, सॉरी, फाइव अपॉन, ये भी देखिए p/q की फॉर्म में, ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल, ठीक है बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास √8। बेटा देखिए, √8 को हम लिख सकते हैं
फोर मल्टीप्लाई बाय टू, फोर मल्टीप्लाई बाय टू, तो फोर का स्क्वायर रूट जो टू होता है, तो ये टू स्क्वायर रूट टू आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये टू आ गया स्क्वायर रूट टू का, देखिए वैल्यू ये होती है, स्क्वायर रूट टू की वैल्यू होती है 1.41421562। ठीक है, वैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर प्राइम नंबर हो ना, और प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो वो बेसिकली इरेशनल आता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय टू करते हैं, तो देखिए ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है 2.82842715। आपको मैंने बताया था कि अगर डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हो और डिफरेंट हो, ये रिपीट ना हो रही हो, इसे हम कहते हैं इनरेशनल नंबर। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था, देखे कि जो स्क्वायर रूट टू है ये बेसिकली क्या इनरेशनल है, ठीक है, क्योंकि देखे स्क्वायर रूट टू, देखे क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, दो तरीकों से आप ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो अगर डेसिमल के बाद देखिए स्क्वायर रूट टू है, तो स्क्वायर रूट टू की वैल्यू 1.41213562 आती है। अगर आप इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हैं और सब डिफरेंट हैं, तो ये इनरेशनल है। और वैसे भी देखिए जो स्क्वायर रूट टू, ये क्या है, इनरेशनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट टू इज नॉट एन इंटीजर, नॉट इज एन इंटीजर, क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है। तो यानी रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, आपको याद होगा कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि इन्हें ऊपर भी क्या हो, यानी पी अपॉन क्यू, पी भी इंटीजर हो और क्यू भी क्या हो, इंटीजर हो, तब हम कहते हैं ये क्या है, रैशनल है, ये रैशनल है क्यू। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट टू है, तो स्क्वायर रूट टू क्योंकि इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये क्या है, इनरेशनल है। तो ये आपके पास क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इनरेशनल। ठीक है बेटा, अब देखिए उसके बाद है, उसके बाद देखिए जो पॉइंट फाइव है स्क्वायर रूट हंड्रेड, तो हंड्रेड का आपको याद स्क्वायर रूट होता है 10, ठीक है, और 10 को हम लिख सकते हैं 10/1, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर, इसमें ये क्या है, रैशनल है, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट सिक्स, पार्ट सिक्स है 13/2, ये पी पॉन क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं इसको, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर, तो ये क्या है, रैशनल है। ठीक है बेटा, अब आ जाए पार्ट सेवन, अब है 126। ठीक है बेटा, अब देखिए हम 126 का फैक्टर बनाते हैं, तो देखिए 2 6 12 और 2 3 6, और फिर 3 3 6 3 1 3, फिर 3 7 20 हो जाए, 7 1 7। ठीक है बेटा, देखिए ये बेसिकली क्या आ रहा है, देखिए
इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 7। बेटा देखिए 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 2 × 7 = 14। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और ये आपका स्क्वायर रूट 14 आ गया। ठीक है, बेटा देखिए ये 3 तो इंटीजर है मगर स्क्वायर रूट 14, इसका आंसर लिख देंगे कि सिंस, देखिए ये जो है स्क्वायर रूट 14 इज नॉट देखिए स्क्वायर रूट 14 इज नॉट एन इंटीजर, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो कहते कि न्यूमरेटर भी इंटीजर हो डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो तब होता है रैशनल। अब इसके अलावा क्या होते हैं कि रैशनल के अलावा इंटीजर होते हैं, तो सिंस स्क्वायर रूट 14 इज नॉट एन इंटीजर देयरफॉर इज इरेशनल। वैसे भी देखिए अगर हम स्क्वायर रूट 26 का अगर हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम 126 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 126 का जो देखिए जो स्क्वायर रूट होता है ना, 126 का देखिए जो स्क्वायर रूट है, 126 का जो स्क्वायर रूट है वही आता है 11.22497216 इनफाइनाइट चलता रहता है। तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या इनफाइनाइट और सब डिफरेंट है, यानी नॉन रिकरिंग है। ठीक है, नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रही, इस वजह से भी ये क्या इरेशनल है। आप दोनों मेथड से कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 14 क्योंकि एक इंटीजर नहीं है इस वजह से ये इरेशनल है, या अगर आप देखेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11.22497216 आगे वैल्यू चलती जाती है। कैलकुलेटर में तो बस यही था कितने इंटीजर्स तक जाती है, वैसे ये इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, ये आपके पास इरेशनल है। ठीक है बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो पार्ट 8 है। बेटा देखिए 25p है और ये 9q है, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल। ठीक है बेटा, बाजे नेक्स्ट 9 169, देखिए 169 होता है 13 × 13, 13 × 13 एक बाहर आ जाता तो ये होता है 13। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये 13/1 है, ऊपर भी पी है नीचे भी क्यू है, ये क्या रैशनल है, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 26। देखिए अगर हम 26 के फैक्टर बनाते हैं तो आपको याद होगा, देखिए 26 का फैक्टर ये बनता है 2 × 2 = 6, 13 × 13। आप देख रहे हैं देखिए इन्हें हम इसको क्यों लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 × 13, हम इसको अलग करते हैं स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 13। तो आप देखें स्क्वायर रूट 2 भी इंटीजर नहीं है और स्क्वायर रूट 13 भी इंटीजर नहीं है। अब इसका हम आंसर क्यों लिखेंगे कि सिंस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 13,
और 9 इंटीजर, देयरफॉर स्क्वायर रूट 26 इज इरेशनल। ठीक है, अब दूसरा अगर आप देखना चाहें, देखिए दूसरे मेथड से अगर हम देखना चाहें तो आप देखेंगे बेटा, देखेंगे स्क्वायर रूट 26 है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बेटा देखिए 26 का स्क्वायर रूट देखिए ये आता है 5.09019519514। बेटा आप देख रहे हैं कि डेसिमल के पास वैल्यूज इनफाइनाइट है, ठीक है, और सब अलग अलग है यानी नॉन रेकरिंग है। तो अगर डेसिमल के पास वैल्यूज इनफाइनाइट हो और सब अलग अलग हो, तो हमने बताया था कि ये क्या होता है, इरेशनल। तो ये इरेशनल। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कौन से टर्मिनेटिंग और कौन से। अच्छा बेटा, इससे पहले आप ये विच आर टर्मिनेटिंग, वी आर टर्मिनेटिंग मुझे बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा। बट आपको मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। बेटा टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे देखें, जैसे 1/2 है, 1/2 है, ये 0.5, ठीक है। इसके अलावा देखिए 9/5 है, 9/5। बेटा देखिए 9/5 क्या होता है, हम इसको डिवाइड करते हैं 9/5, 1.8। या अगर यूं हो 1.2576 या हो 5.892। बेटा अगर डेसिमल के बाद वैल्यूज फाइनाइट हो, डेसिमल के बाद वैल्यूज आफ्टर डेसिमल, डेसिमल वैल्यू इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद वैल्यूज अगर इनफाइनाइट हो, ठीक है, चाहे वो रिपीट हो रही हो चाहे वो रिपीट ना हो रही हो। तो बेटे देखे, जैसे 1/3 है, हम 0.333, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल 20/6 है, तो 3.333, ठीक है, या पाए है। बेटा पाई की वैल्यू देखिए, आपको याद होगा 3.1415। बेटा क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हो चाहे वो रिपीट हो रही हो चाहे वो रिपीट ना हो, चाहे वो रिपीट ना हो रही हो। तो यहाँ लिखते हैं आफ्टर डेसिमल
उसमें डेसिमल और ठीक है, मैंने डेसिमल का वैल्यूज क्या हो, इनफाइनाइट हो, आगे भी देखते हैं कि वो रेकरिंग होती है नॉन रेकरिंग होती है, वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। ठीक है, तो बेटा आपने समझ गया कि टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद वैल्यूज अगर फाइनाइट हो तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये फाइनाइट हो इसलिए हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर वैल्यूज इनफाइनाइट हो तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब बेटा इसका ये क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। 4/9, 4/9, यदि आप 4 को 9 से डिवाइड करते हैं, ये आपने डिवाइड करना, ठीक है, देखो 4/9 तो ये आपके पास है 0.4, तो आप देखें डेसिमल के बाद वैल्यूज का इनफाइनाइट है, जब डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा अब आ जाए नंबर 2 में, थर्टीन बाई 20 है, 13/20 तो ये आ रहा 0.65 पॉइंट। बेटा देखिए डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या फाइनाइट है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू क्या है फाइनाइट, हो गया क्या टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब पार्ट 3, 1.6, 1 को जब 6 से डिवाइड करेंगे ये 0.16, 1.6, 1.6, 1.6, ठीक है, ये आ रहा है। ये भी आप देख रहे हैं कि वैल्यूज के बाद यानी क्या है डेसिमल वैल्यूज इनफाइनाइट है, ठीक है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद देखिए पार्ट 4 है, 7/3, बड़ा देखिए 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, 7/3, तो देखिए ये आ रहा है 2.333, ये डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या इनफाइनाइट है, ये भी क्या नॉन टर्मिनल। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें पार्ट 5 हो, 9/8, 9/8 से डिवाइड करते हैं, 9/8 तो यार आपके पास 1.125। बेटा आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या है फाइनाइट है, यानी वैल्यूज पता है, ठीक है, तो ये क्या टर्मिनेटिंग है। ठीक है बेटा, अच्छा इसके आगे 3 पार्ट हो रहे हैं, पार्ट 6, 7 और 8, तो ये आप लोगों ने खुद करने देखें, ये पार्ट आपके पास 7 है, पार्ट सॉरी 7 करें, पार्ट 6 आपके पास ये 13/8, ये आपने खुद करना है, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 13/8 से डिवाइड करेंगे, अगर डेसिमल के बाद वैल्यूज फाइनाइट होंगी तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वैल्यूज इनफाइनाइट होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर 11/15 है, ये भी आपने खुद करना है, ठीक है,
और फिर पार्ट एट है, ये भी आपने खुद करना है, 7 ओवर। ठीक है बेटा, ये है, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है बेटा, अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में मैं बताना कि रेकुरेंट कौन से और हमें बताया कि रेकुरेंट कौन सा है, और हमें बताया कि यानी कौन से रेकुरेंट और कौन से नॉन रेकुरेंट है, और फिर बताना है कि इनमें से रैशनल कौन से है और इनरैशनल कौन से है। क्वेश्चन नंबर थ्री, रेकुरेंट एंड नॉन रेकुरेंट। और दूसरा रैशनल है, रैशनल। तो बेटा हमें बताना है कि रेकुरेंट कौन से और नॉन रेकुरेंट कौन से और रैशनल और इरेशनल है। तो बेटा रेकुरेंट तो आपको याद होगा क्या होते हैं, रेकुरेंट अगर डेसिमल के बाद क्या हो, वैल्यूज इनफाइनाइट हो मगर रिपीट हो रही हो। देखिए जैसे बेटा, जैसे आपके पास 1.3333 या 2.123 123 123 123 बेटा ये होते हैं रेकोरेंट। ठीक है, दोबारा देख और देखे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 6.459459। बेटा रेकोरेंट क्या होते हैं, डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हो मगर रिपीट हो रही हो। रेकोरेंट का मतलब ये होता है रिपीट होना, दोहराना। और तमाम रेकोरिंग जो डेसिमल होते हैं ये क्या होते हैं, तमाम रेकोरिंग डेसिमल होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और फिर देखिए नॉन रेकोरिंग क्या होते हैं, नॉन रेकोरिंग नॉन रेकरिंग बेटा जैसे देखिए, जैसे आपको बताया था कि स्क्वायर रूट टू है, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट 17 है, स्क्वायर रूट 17 आपका होता है 4.123105626। डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या हो, इनफाइनाइट हो मगर रिपीट ना हो रही हो, सब डिफरेंट हो, इसे हम कहते हैं नॉन रेकरिंग। ठीक है, ठीक है बेटा, ये होते हैं नॉन रेकरिंग। जैसे स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट टू की आपको याद होगा वैल्यू ये होती है 1.41421356। बेटा ये आपके पास क्या है, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग दोबारा सुन लें कि डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या हो, इनफाइनाइट हो। इवन का देखें, जैसे आपके पास 26 का स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट 26, ये आपके पास है 5.09091914। डेसिमल का बेटा का वैल्यूज इनफाइनाइट हो और सब डिफरेंट हो, इन्हीं से हम कहते हैं इनरैशनल। तो तमाम रेकरिंग जो डेसिमल होते हैं इन्हें हम लोग इनरैशनल कहते हैं। ठीक है बेटा,
अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कौन से जो है ना रेकुरेंग और कौन से इनरेकुरेंग, और फिर हमें बताना है इनमें रैशनल कौन से हैं, रैशनल कौन से हैं। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 1.2578, ठीक है बेटा। अब देखिए ये क्या आपके पास, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और ये क्या रैशनल है, ये टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। ये क्या टर्मिनेटिंग, बेसिकली क्या है रैशनल, नंबर 2 है 0.3, बट ये आपके पास क्या रेकुरेंट है, ठीक है, और क्या रैशनल है। ये डेसिमल में देखे वैल्यूज इनफाइनाइट है और रिपीट हो रही है, ठीक है, ये कह रहे हैं रेकरिंग। ये क्या है रैशनल, तमाम जो है ना बेटा तमाम जो रेकरिंग होते हैं वो हमेशा कहते हैं रैशनल होते हैं, ठीक है। ये देखे पार्ट 3 है, पार्ट 3 है 1.341423662। बेटा तो डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या इनफाइनाइट है और मगर सब डिफरेंट है, तो जब सब डिफरेंट और रिपीट ना हो तो इसे हम कहते हैं नॉन रेकरिंग। तो ये होता है इनरेशनल। दोबारा सुनना, जितने भी रेकरिंग होते हैं क्या तो रैशनल, और जो नॉन रेकरिंग वो इनरेशनल, ठीक है। तो बाकी इसके जो ना पार्ट 4, 5, 6 आप खुद ट्राई कीजिएगा, आसान से है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से रेकरिंग और कौन से नॉन रेकरिंग है, ठीक है, और फिर बताना है कि ये रैशनल है या इनरेशनल है। तो यहीं तक रखते हैं, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 2.2 करेंगे, ठीक है, उसमें फिर हम रियल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।